कि तुम उदास कर ये देगी। चलो टाटा मॉर्निंग के 5:30 मैं जा रहा हूँ अभी, तो पहले कालका मंदिर चलेंगे, फिर वहां से जाऊंगा मैं मेरठ अपनी बहन को और लाडो को छोड़ते हुए, फिर मम्मी को लेके जाना है उत्तराखंड दवाई दिलाने डायबिटीज की, और भी है तो भरत भाई भी जाएंगे उनकी कार से चलेंगे। तो अभी लाडो देखो तैयार हो रही है, और यहाँ पे देखो हमारी अक्कू तैयार हो रही है लाडो। हाय लाडो चलें चलें चलें, देख रही है चलें भाई जल्दी, इसने लेट करा दी सबसे ज़्यादा हमें, इसने अभी तक तैयार नहीं हुई है, नखड़े दिखाती है दस। सब रेडी है, मम्मी रेडी हो चुकी है, पूजा हम कर चुके हैं, जय कालका माँ बोलते हुए हम निकल रहे हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो चुके हैं पूरे अच्छे से, देख सकते हो आप, बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे। तो अभी भरत भाई आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं 5-10 मिनट में, तो मिलते हैं सीधा आपको कार के अंदर जल्दी से। देखो पैसे नहीं छोड़ रही है, देख रहे हो भाई, पैसे दे, चल पैसे दे, पैसे बजली पकड़ दी है, पैसे की तो बहुत वो है। अभी आंटी ने पैसे दे तो यूं करके देख लिया, ले ले ता। तो ये आ चुके हैं हमारे, अंदर बैठे हुए हैं, देख रहे हो भाई ये सब बैठे हुए हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसे हम कल लेके आए थे, उसका व्लॉग नहीं बना पाया मैं। एंड ये हमारा सारा सामान सेट हो गया, दीदी के हमारे बैग हैं दो पन्नी और थोड़ा सामान रखा हुआ है, वो भी लेके आ रहे हैं, जल्दी से बंद करते हैं फिर निकलते हैं। तो हम फाइनली निकल चुके हैं भाई अपनी मंजिल के लिए, और लाडो हमारी आगे बैठी है आंटी के पास, देख सकते हो। हाँ भाई लाडो, हाय मजे आ रहे हैं आगे, पूरा आनंद ले रहे हो, व्यू है पूरा आंटी के साथ, फुल मजे नानी के साथ। चलो भाई चलते हैं जल्दी से भाई, क्योंकि ऑलरेडी भाई 6 बज चुके हैं और हमें फिर थोड़ा सा मतलब कार मंदिर भी जाना है, जल्दी से चलते हैं। 4 बजे के, देखो भाई बिल्कुल ही कोहरा है आगे, ओखला के पास, और अगले दिन 8 बजे पहुंचूंगा, लकड़ी गिरी है, अब जाके थोड़ा वो लकड़ है इधर कर ले, इसमें लकड़ भी वो होगा, पंचर हो जाएगा, तो काट के डालता होगा रहता है। भाई तो दर्शन तो कर लिए भाई सुबह, पर भाई अभी बताऊँ पूरा खाली मंदिर सुनसान है, सर्दियों में होता है ना अलग ही, मतलब भाई क्या ही मतलब, देख रहे हो कोई नहीं है भाई मतलब ज़्यादा। चलो रामधन भाई भी हमें मिले भाई, सुबह ने फ़ोन कर दिया था भाई को आने के लिए, थैंक यू भाई। चलो जल्दी से, मम्मी यार वेट कर रहे हैं बाहर सब लोग गाड़ी में, चलते हैं जल्दी से। तो निकल गए हम लोग भाई कालका मंदिर दर्शन करके माता रानी से, और भाई प्रसाद सबको मैंने खिला दिया है, और भाई आए थे रामधन भाई, उन्होंने टीका भी सबके लगा दिया, देखो मम्मी के भी लगा दिया इधर, सोनी के भी लगा दिया। तो चलो चलते हैं भाई, निकल रहे हैं, निकल चुके हैं मतलब, सॉरी, और लाना हमारी सो चुकी है, और देख सकते हैं सामने भाई गाने चल रहे हैं, आंटी ने मेरी जगह छीन ली है, तो सब लोग कमेंट में लगा देना भाई आंटी जगह छोड़ो। हम लोग आ चुके हैं अभी फ्यूल पंप पे भाई, पेट्रोल डलवाने। हाँ भाई बोले कितने का डलाओगे, 50,000 का। चलो भाई जल्दी से फटाफट से भाई, कोहरा देख लो कितनी ठंड, मतलब अभी तो कम है कोहरा वहाँ पे, पता नहीं क्यों था इतना। तो अभी भाई भैया फ्यूल अप कर रहे हैं, एंड पता है यार वहाँ पे पता नहीं क्यों इतना कोहरा था भाई वहाँ पे, मतलब कुछ सिस्टम था, पेड़ भी आ गया ना टूटा हुआ था रोड पे, एक डाल दिया था। चलो अभी चलते हो वहाँ पे डलवा के फिर निकलते हैं। कितना कोहरा भाई देख सकते हो आप, आराम से भाई, because the world is ever changing, आराम से चलाओ भाई, बहुत कोहरा है भाई, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है बस। इस साइड देखो भाई क्या है, अलग ही, अभी सूरज निकली है, सूर्य देव तो हम नमन करते हुए निकलेंगे यहाँ से, जय सूर्य देव। ये अभी फ्लाईओवर बन रहा है कि जो कि ट्रेन के लिए मतलब बन चुका है, स्टार्ट नहीं हुई है ट्रेन, अभी थोड़ा सा मौसम मतलब बीच बीच में खुल जा रहा है बार बार, बीच बीच में थोड़ा सा कोहरा मतलब हट जा रहा है, फिर एकदम से आ जा रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा सिस्टम कैसा कर रखा है उत्तर प्रदेश ने, कुछ करिए योगी जी।
चलो भाई हम मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है और टोल हमारा बहुत हो रहा है भाई, इतना हो रहा है अलग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टोल प्लाजा पे, टोल कटेगा भाई फिर निकलेंगे। A few moments later. तो अभी हम लोग कर चुके हैं मेरठ में एंट्री एंड हमारी ये देखो अक्कू हमें लाडो टीका कैसे लगा हुआ है। हाँ लाडो टीका लगो टीका किधर मैया यहाँ घूम के आई है। ओए चलो भाई चली जाएगी बेचारी हमें आज बाय बाय बोलना पड़ेगा आज हमें इसी को। चलो भाई चलो देख रही है। हम लोग आ चुके हैं अभी भाई घर पर और लाडो ने किसी को पहचान नहीं रही है यहाँ पे, कह रही मैं 6-7 महीने की छुट्टी पे गई थी सबको भूल चुकी हूँ। लाडो कौन है? कोई नहीं आ जा वो मेरे में तुरंत आ रही है, वो हिंदी नहीं जा रही है। ये तुम लेना भाई कोई पहचान नहीं किसी को नहीं पहचान रही है आई, आई। किसी को नहीं पहचान रही है। 6 महीने की छुट्टी पे आई है तो भाई लाडो 6 महीने की छुट्टी पे आई है हमारी और किसी को नहीं पहचान रही। ये पता लगे आगे चल के पता लगेगा कि 8-9 बजे उठते हैं सर। लो तुम्हारी गली तो मैं बोलूं अंशु को मैं जल्दी उठा दूंगी ना भाई किसी को नहीं मिला दादी दादी नानी चलो भाई यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे जल्दी यहाँ पे क्योंकि बहुत दूर जाना है यहाँ पे मतलब यहाँ से 170 किलोमीटर है 170 तो वही 3-3.5 घंटे लगेंगे। चलते जल्दी से इनका मंदिर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मंदिर अच्छा है, ये मंदिर है ये वो है जगन्नाथपुरी बोलते हैं आपको पता होगा ये और बाकी लड्डू गोपाल जी बाकी। तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से फिर मिलते हैं आपसे। भाई देखो आप तो ऊपर बैठ गई है आराम से रात यहाँ देख रही है। ये तो ब्रेकफास्ट आ गया, आज का ब्रेकफास्ट हम करेंगे मेरठ में और कल का करेंगे अपने घर। ये चलो भाई चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हुए निकलते हैं। ऑलमोस्ट भाई 9 बज चुके हैं और हमें आपको बताइए जाना है तो यहाँ पे मम्मी जी सर्व करते हुए ये क्या है? ये है मूंग की दाल। मूंग की दाल जो कि मैं कभी नहीं खाता। ये तो वैसी है। चलो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलो भाई अब लोग हम लोग सब निकल रहे हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट कर लिया है। लाडो को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, बहुत दिन हमारे साथ रहे और भाई मेरे को रोक रहा है पर मैं नहीं रुकूंगा। लाडो बाय। ओए अरे नहीं आऊंगा अभी 2-3 दिन बाद। बहन से प्यार है ये रूमाल लेते बाय बाय। तो लाडो को मिल गया 100 का नोट और इसे अब मौज में है, ये कोई से टेंशन नहीं है, 100 का नोट मिल गया है देख सकते हो। तो बाय बाय लाडो टाटा। चलो भाई जल्दी बाय होती रहेगी बाय। देख रही है सगर लाडो बाय 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 कर दो क्योंकि तुम उदास होकर कर रही देगी। चलो टाटा टाटा हंस रहा है उनको देख देखो गई है हम लोग लाडो ने पूरा मतलब उदास हो गई थी एकदम से जा रहे थे बहुत टाइम रही हमारे साथ लेफ्ट ले लियो पहले बहुत टाइम रही फिर एकदम से उदास हो गई ना। चलो चलते हैं भाई क्योंकि अभी गूगल मैप लगाना पड़ेगा हमें। My soul, you're the one good thing, and I don't think I've ever been so low, 'cause losing you was worse than losing hope. रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है अभी पूरा बना नहीं है, ये बन ही रहा है अभी तो तभी आधे पे है आधे पे नहीं है। कितने दूर दिखा रहा था जाने बहुत दूर है ये आ गए उसी रोड पे मगर हम तो अभी हम लोग आ चुके हैं हस्तिनापुर जो कि पांडव नगरी है। यहाँ पे ना मतलब पांडव जी जो थे उन्हें शराब दिया गया था, वो पत्थर की मूर्ति बन गए थे सब लोग, वो पता नहीं मुझे मतलब सब पूरा गांव बन गया था ये, तभी ना यहाँ पे ना पत्थर का काम बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैंने देखा पीछे बहुत सारे पत्थर की मूर्तियाँ बना रहे थे सब लोग,
और आगे कोई पड़ेगा तो दिखाऊंगा आपको। तो इसका यही स्टोरी है मतलब थोड़ा। और बाकी हमारी आंटी जी हैं, आंटी बता रही हैं भाई आंटी यहीं से हैं, आंटी मेरठ से ही पूरे हैं, मतलब यहीं पे आंटी का जन्म हुआ मेरठ में। आंटी जी ना यहीं से मतलब मेरठ से बिलोंग करती हैं क्योंकि मेरठ में उनका जन्म हुआ था और शादी हमारे इधर दिल्ली में। तो आंटी अब तो मतलब कह रही है कि बचपन का मतलब सारा भूल भी गई, अब तो कुछ कुछ याद है थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं भाई। आंटी को तो मतलब जो चीज़ बताओगी हमें थोड़ी बताओगी, आंटी बहुत बहुत बड़ी है। बट ऊपर से आंटी देखो पंडित फैमिली से बिलोंग करती है तो पूरा मतलब उन्हें तो पूरा ज्ञान है, हमें ज्ञान देती रहती है कि हम आगे किसी को ज्ञान दें, तो अच्छी बात है ना ये। बाकी चलो भाई दिखेगा ना आपको कोई मूर्ति वाला तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी रखी हैं, पर शायद ही अब नहीं दिखेगा, पहले ही स्टार्टिंग में थी। बट कोई नहीं, चलो आते टाइम दिखा दूंगा शायद। और यहाँ पे देख रहे हो पूरा मतलब पानी खत्म हो गया है इसमें, अभी रोक दिया होगा। सो भाई ये देख रहे हो ये पीली सरसों है पूरी पूरी बहुत बहुत दूर तक फैली है, थोड़ा गाड़ी चलने में आराम से चला है। पहले सरसों बुलवा दिया पीली सरसों लाई, ठीक है सॉरी। ये देख लो भाई कितनी सारी है, ये क्या है राई पीली सरसों, सरसों राई एक ही बात है तो ये पीली सरसों है भाई, कितनी सारी है पूरी दूर दूर तक फैली हुई है। तो ये आ चुकी है कोई गंगा मैया, ये नहीं पता कौन सी है पर बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ी भाई देख रहे हो बहुत बड़ा पुल है ये। पानी रोक क्या बाढ़ आ गई होगी ना पीछे, तभी फिर सारे रास्ते खराब हो गए। बहुत बड़ी है भाई ये। तो भाई यहाँ पे ना अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भाई। हम लोग अभी मतलब अभी भी 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में, 80 किलोमीटर रह गया है और अभी 11:30 होने वाले हैं, क्या ही होगा। देखो भाई ये जाम है पूरा पूरा ब्लॉक है, पता नहीं कितनी देर में जाम खुलेगा तब जाएंगे आगे, धीरे धीरे चल ही रहे हैं। तो अभी हमने लिए हैं अमरूद भाई 50 रुपये किलो दिए अंकल ने, अभी नमक लगवा के ले लिए हैं, अभी खाएंगे फिर भाई। चलो अमरूद ले लिए और खाते हैं इसको। मस्त लग रहा है, मीठे मीठे एकदम, थोड़े से टाइट है बस, अच्छा है। थोड़ी सी धूप आ रही है गाड़ी के अंदर तो ना भीड़ अच्छे से बन नहीं पा रही, बट कोई नहीं चलो पहुँचने वाले में, थोड़ा सा दूर रह गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई गुड़ जो बनता है तो गन्ने के उससे गुड़ बनता है, दिखाऊंगा अभी वहीं पर जा रहा हूँ लेने भी, लेके भी आऊँगा शायद दे दे। तो भाई ये गुड़ खोलता हुआ भाई पूरा देख रहे हो तुम, गरम गरम 5 किलो कर दे यहाँ से निकलता है इधर। चलो तो ये हमने ले लिया भाई रसा, जो भी बोलते थे रसा 2 लीटर लिया है, 40 रुपए लीटर, सॉरी 20 रुपए लीटर दिया था उन्होंने, तो 40 रुपए हो गए 2 लीटर के। अब चलते हैं गड्डी पे अपनी। लो भाई पियो माउंटेन ड्यू, अरे पीने के लिए नहीं है भाई ये, सच्चे पी लो। गुड़ लेके निकल गए हैं, थोड़ा सा दूर रह गया बस पहुंचने वाले हैं, जल्दी से मिलते हैं आपको सीधा वहीं पर। ठीक है भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और भाई हॉस्पिटल, तो जल्दी से चलते हैं अभी, मतलब हमें स्लिप बनवानी पड़ेगी उसके बाद दवाई देंगे, तो बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते देखते कितना टाइम लगेगा, चलते हैं अंदर जल्दी से। तो दवाई तो ले लिया भाई, ये रही अपने पास दवाई मम्मी की, फटाफट भाई यहाँ पे काम हो जाता है 5-10 मिनट में, चलते जल्दी आराम से नीचे, अभी देखते हैं कहाँ का प्लान बन रहा है भाई। ये हॉस्पिटल किसी को भी आना हो आ सकता है, भरत भाई की गाड़ी में बुकिंग पे, बुकिंग अमाउंट बता दो भाई क्या है भाई। ये देख रहे हो अब चल रहे हैं हम लोग कहीं घूमने, तो दवाई लेके हम निकल रहे हैं अब भाई, और अभी थोड़ा सा खाना खाएंगे, भूख लग रही है यहाँ पे घूमने के लिए, बोल रहे थे मम्मी जिम कॉर्बेट, बट यार जिम कॉर्बेट जा नहीं सकता क्योंकि अभी टाइम लेट हो गए, 2 बज गए यहाँ पर, तो क्योंकि टाइम तो लगेगा भाई वहाँ पर और घूमने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। बाकी चलो देखते हैं कि कोई रास्ता ना कुछ पड़ेगा घूमने के लिए, तो ठीक है तो कुछ खाना खाएंगे, देखते हैं। मम्मी ने तो पूरी खा ली, मैंने भी एक खाई थी अभी, कुछ खाएंगे बढ़िया सा खाना, चलते हैं। हमें भाई अभी चले जाना 15 किलोमीटर
चल रहे हैं हम रस्ते, लेकिन कोई भी ना खाने की शॉप आई अच्छी सी ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं आया भाई, सिर्फ रोड रोड है बस, वही चले जा रहे हैं। 15 किलोमीटर चल गए हैं अभी हम, कुछ नहीं आया भाई, पता नहीं कब तक आएगा ये, धूप इतनी आ रही है, मतलब इसका यूज़ किया जाए। मम्मी देखो मुँह है, मम्मी स्मेल थोड़ी आ रही है गड्डी में भाई, सिर्फ रोड रोड आ रहा है सब भाई, सिर्फ ऐसे सिंगल रोड चल रहा है जब से, यानी कहाँ तक चलेगा ये रोड। भरत भाई ड्राइविंग करते हैं फुल ओवरटेकिंग आराम से आराम से। तो भाई खाना तो कहीं नहीं मिल रहा भाई, ऑलमोस्ट हम लोग कितना भाई मतलब 30-35 किलोमीटर चल के आ गए, तो हमें सोचा है टकाटक से काम चलाना पड़ेगा, क्या करें भाई यही करना पड़ेगा टकाटक खा के। कोई नहीं, चलो भाई देखते हैं आगे कोई रेस्टोरेंट आएगा कुछ भी अच्छा सा मिलेगा खाने के लिए तो खाएंगे, बेकार चीज़ तो वैसे ऑयली वगैरह तो नहीं खाऊंगा, चलो चलते हैं फिर और क्या। तो भाई देख सकते हो भाई यहाँ पे आंटी देख रहा सरसों का साग तोड़ के लेके आ रही है, मैं मना कर रहा था मत जाओ मत जाओ, फिर भी ये मान नहीं रही आंटी, फिर मैं तोड़ के ला रही थी। और अंकल देख लो, अंकल ने बोला तोड़ लो, पता नहीं किसका है। एक की कमी और थी, मम्मी भी पहुंच गई और अंकल कह रहे लाओ मैं भी तोड़ देता हूँ तुम्हें, दे दूंगा हेल्प कर दूंगा। भाई साहब तोड़ने में लगे हैं बेचारे, किसी का खेत है पता नहीं, जल्दी से भागो यहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से भाग भाई फटाफट से गाड़ी चला, ये देखो ये मार दे रहा, मार पड़ेगी भाई कोई आ गया तो, जल्दी भागो इन्हें छोड़ के भाग जाते, चलो भाग लेते हम लोग, आ जाओ भाई आ जाएगा कोई, जल्दी आओ। लेडी समझ के कोई नहीं मारेगा, हमें लेडी समझ के कोई नहीं मारेगा, लेकिन हमें तो मारेगा बंदे बोले, तुम तो जो तोड़वा रहे हो भाई। अरे आ जाओ बस से यार, ये नहीं आने की लग रहा था, दोनों बैठ गए जाकर, मम्मी आ जाओ बहुत है यार, मम्मी आ जाओ बहुत है भाई, भागो भाई भागो यार, इतने सारे क्यों नहीं आई, अपने पीछे रखो यहाँ आके मैं डालो भाई, चल मैं नहीं रख रहा भाई, इतना सारा लिया है वो, देखो आंटी पूरे सवाल भर रहे हैं अपनी, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, चलो भाई चलो। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं ये फ्री का माल बटोरते हुए खेतों में से, चलो चलते हैं भाई अभी देखते हैं, तो हम लोग पहुँच चुके हैं भाई अभी गढ़गंगा, जो की देख सकते हो भाई पानी तो है ही नहीं, मतलब अभी थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है, मतलब है आगे है ये है भाई, अभी इधर इतना पानी वैसे पूरी रहती है, ये ज्यादा पानी भी नहीं है इधर, चलो चलेंगे इधर ही अभी थोड़ा सा, ये इधर पुल बन रखा है। तो हम लोग आ चुके हैं अभी भाई रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते, अब थोड़ा सा पहुंच गए हैं इधर खाने खाने, देखते हैं क्या है यहाँ पे खाने के लिए, गंदा हो गया भाई, क्वालिटी है, गाड़ी लेगा बोले बैठ बैठ जा। तो ये आ चुका है अपना भाई मसाला डोसा, और आंटी देखो खा रही है अपने दो ब्रेड पकौड़े, जल्दी से खाते हैं इनको, और ये लोग नहीं खाएंगे मना कर रहे हैं, तुम मत खाओ भाई। हाँ ना तो डोसा खा लिया है भाई, चाय पीने का अलग ही मजा है, चाय भी बहुत मजेदार है भाई। तो खा पी लिया है भाई, अभी ना थोड़ा भाई खा पी के थोड़ी सी जान आ गई है अब शरीर में, बंदा भाई ऐसा लग रहा था भाई, तो भाई मिल ही नहीं रहा था भाई ऐसा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, डोसा खाया हमने, ब्रेड पकौड़े थे, चाय पी, थोड़ी सी मिस्टी खाई, जब बिल देने की बारी आई, कोई नहीं चलो बढ़िया, अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है भाई, 6 बज गए हैं देख रहे हो, 6 बज गए हैं, बट कोई नहीं चलो जल्दी से निकलते हैं, अभी तो बहुत देर में 100 किलोमीटर रह गया है हमारा घर, जल्दी चलते हैं। तो आ चुके हैं अभी अक्षरधाम मंदिर, देख रहे हो भाई कितने हाई लाइटिंग का लगी कर रखी है पूरा, आएंगे किसी दिन चलो, बाकी ये अपना ये गाड़ी अब 1 महीने के लिए, तो थोड़ा कैमरा क्वालिटी पता नहीं अच्छी नहीं आ रही, क्या दिक्कत है। तो फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ अभी घर पर भाई, अभी ना 8:30 बज गए हैं, तब मैं आ पाया हूँ भाई, हालत खराब हो गई बैठे बैठे कार में, बट कोई नहीं चलो, अपना फोन में बैटरी बची ओनली 5%, तो जल्दी से फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, कपड़े चेंज करके फिर आपसे मिलता हूँ, तो कपड़े चेंज नहीं करूँगा, शूज उतारने वो उतार के फिर आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, पहले फोन को करते हैं चार्ज। भाई रेस्ट तो हो गया, अब खाना खाने का टाइम भी हो गया, खाना हो गया रेडी, तो जल्दी से खाते हैं। इधर देखो संध्या भाई पूरी जिंदगी आराम की फरमाइश है इनकी,
यही सोते हैं, खाते हैं, मौज लेते हैं, स्कूल स्कूल कहीं जाना नहीं होता। चलो जल्दी से खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो आज अपने पास है पनीर की भुजिया और रोटी, तो जल्दी से खाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो खाना खा लिया है एंड अभी ना भाई टाइम हो गया सोने का, क्योंकि भाई बहुत थक गया था गाड़ी में बैठे बैठे, तो सोने जा रहा हूँ मैं। तो आज के लोग कहीं पर रखते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज ब्लॉग को कर दो लाइक, चैनल पर जो भी ना चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, चलो गुड बाय, टाटा बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।